असम, रात 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरे पति को उठा ले गए। असम की बालिका वधु ने बयां किया अपना दर्द। बाल विवाह मामले में असम पुलिस ने धरपकड़ की कार्रवाई तेज कर दी है। बिना नियम बनाए बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई, असम सरकार पर AIUDF ने साधा निशाना। NIA लश्कर के इशारे पर हैदराबाद पर हमला करने वाले थे आतंकी, भीड़ पर ग्रेनेड फेंकने की रची साजिश, 3 गिरफ्तार। गुजरात, पैदाइशी दिव्यांग साम्या को जन्मदिन पर तोहफे में मिला हाथ, अस्पताल ने किया बड़ा दावा। अस्पताल का दावा है कि देश में यह इस तरह का पहला प्रत्यारोपण है। पीएम मोदी का दौरा, पीएम मोदी कल कर्नाटक के तुमकुरु में देश को सौंपेंगे एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। वेस्ट बंगाल, बंगाल के दक्षिण परगना में देसी बम विस्फोट, 1 की मौत और 2 के घायल होने की खबर। मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित PFI के 3 और सदस्य सरकार के खिलाफ साजिश के आरोप में गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश में सड़क से गुजर रहे मजदूरों पर चढ़ा ट्रक, 3 महिलाओं की मौत। हैदराबाद, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने असम सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल किया कि बाल विवाह को लेकर राज्य सरकार की कार्रवाई के बाद लड़कियों की देखभाल कौन करेगा। झारखंड में किसी आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया गया, हेमंत सोरेन। आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को वली में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी। स्टार्टअप इकोसिस्टम का केंद्र बना भारत, जम्मू विश्वविद्यालय में बोले अनुराग ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्तियों को मंजूरी, रिजिजू ने दी जानकारी। गोवा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में शुरू किया वेटलैंड संरक्षण अभियान, नागरिक भागीदारी पर रहेगा जोर। TMC में खुद के लाभ के लिए काम करने वालों का कोई भविष्य नहीं है, अभिषेक बनर्जी।